दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि 11th में नामांकन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ ले जाने हैं, वहां पर जो है आपको क्या सब मांगा जाएगा, और वही डॉक्यूमेंट का यहां पर फुल डिटेल्स जानेंगे कि क्या सब डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाना है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 11th का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है, कॉलेज अलॉट कर दिया है, किस कॉलेज का जिस छात्र का किस कॉलेज में नाम आया है वे इंटीमेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर लिखा रहेगा। चलिए जानते हैं कि अगर आपने इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर लिया है और आप लोग जानना चाहते हैं कि नामांकन के लिए जो उस कॉलेज में जाएंगे तो आपसे क्या सब मांगा जाएगा। चलिए प्राइवेट की तो कोई बात नहीं, प्राइवेट में डॉक्यूमेंट्स कम भी लेके जाएंगे तो आपका नामांकन ले लेगा, लेकिन सरकारी कॉलेज का क्या प्रोसेस है। हालांकि प्राइवेट कॉलेज में भी वही सब डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। पहला आपको पंजीयन, यानी पंजीयन आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड जो मिला है उनका मूल प्रति और उसका जो है दो को फोटो कॉपी भी साथ ले लेना है। दूसरा में एडमिट कार्ड का मूल, यानी आपका जो मूल प्रमाण पत्र है यानी ओरिजिनल एडमिट कार्ड वह साथ में ले लेना है, और उनका दो को फोटो स्टेट यानी दो को फोटो कॉपी भी ले लेना है। तीसरा में मार्कशीट का मूल, यानी आपने जो अपने हाई स्कूल से मार्कशीट प्राप्त किया है तो उनका जो है कि ओरिजिनल मार्कशीट साथ में ले लेना है, और दो को उनका फोटो कॉपी साथ में ले लेना है। चौथा में कि प्रोविजनल का मूल, आपको वहां पर औपबंधिक प्रमाण पत्र मिला होगा तो प्रोविजनल का भी मूल प्रमाण पत्र साथ में ले लेना है, और साथ में दो को फोटो कॉपी उसका करवा लेना है। पाँचवा है कि SLC कॉलेज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपको जो SLC आपके स्कूल से प्राप्त हुआ है वह ले लेना है। इसमें आपको मूल प्रति ही ले लेंगे, लेकिन आप भविष्य के लिए जो है SLC का फोटो स्टेट अपने पास रख लीजिएगा करा करके दो या तीन प्रति। छठा है कि फोटोज, कम से कम आपको जो है यहाँ वहाँ पर आपको पांच को फोटो लेके जाना है, पांच फोटोज ले लेना है साथ में, पांच फोटो आपको वहाँ पर लगेगा। सातवां है इंटीमेशन लेटर, आपको नेट से क्या करना है इंटीमेशन यानी सूचना पत्र डाउनलोड कर लेना है, नामांकन पत्र जिसको आप वही आपका नामांकन पत्र भी हुआ कि आपको वे कॉलेज अलॉट हुए हैं। इंटीमेशन आपको नेट से डाउनलोड होगा, किसी कंप्यूटर वाले के पास जाकर के आप लोग निकलवा लेंगे प्रिंट, उस पर आपको कॉलेज का नाम रहेगा कि किस कॉलेज में आपका नाम आया है। और आठवां है रुपया, आपको रुपया एडमिशन के लिए साथ में लेके जाना है, तो भिन्न भिन्न कॉलेज का जो है एडमिशन फी भिन्न भिन्न होता है। मान के चलिए कि किसी कॉलेज का 1500 रुपया लेके साथ में जाइए, आपका जो है कि 800-900 तक में काम फाइनल हो जाएगा। और आप लोग चाहते हो कि इसका जो है लास्ट डेट कब तक है, आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है यानी आप चाहते थे कि मेरा इस कॉलेज में नाम हो और आपका जो है नाम किसी अन्य कॉलेज में दे दिया है, आप उसमें एडमिशन जो है कि नहीं लेना चाहते, अन्य कॉलेज में कराना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है उनकी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि वह भी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। जैसे ही अपलोड होगा आपको सूचना मिल जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो, ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि बिहार बोर्ड से संबंधित जो भी न्यूज़ हो आपको मिलता रहे। 11th 12th का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन आपको मिलेगा, साथ ही आप मधेपुरा के स्टूडेंट हो तो आप हमारे मैथमेटिक्स क्लासेज सम्राट मैथमेटिक्स क्लासेज आ करके आप मैथमेटिक्स फ्री में पढ़ाई कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।